सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहां पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोस्तलपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281-783-2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Deobhumi Uttaranchal ka utkrisht utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great आगे कितने परसेंटेज आएंगे आप? फर्स्ट आएंगे या सेकंड हो गया आप?
पहले सेकंड को पूछता नहीं है, फर्स्ट को सब पूछते हैं। भविष्य में फर्स्ट आएंगे आप, आपके सेकंड आने से पापा मम्मी खुश हुए नहीं हुए? आओ नहीं पता खुश हुए आपको? आपको डांट पड़ी होगी, फर्स्ट होगी डांट पड़ी ने। आपने कौन सी शिक्षकों को दिए लिखे दिए हैं? तो एक तो आप ये परिणाम आ ही नहीं है कि आप कैसे कहें परिणाम आ गया, एक से परिणाम तो आए नहीं, सेवन तक आए हैं आप कहीं दे दिया। मैंने चेयरमैन से बात की तो कहे इतने दिए नहीं है, सब बच्चों को दे दिए, आपको दे दिया है, कुछ नहीं मिलाई आपको, फर्स्ट भी आई है, कितनी खुशी होगी आपको, आपकी मुस्कुरा से दिखाई देगी, बड़े खुश हैं आप। बस इस नंबर से मार्क्स आने से फर्स्ट आने से मम्मी पापा को कितनी खुशी हुई है? आज मम्मी आई, पापा आए साथ में, दोनों आए। हाँ बोलिए, आप कैसे बच्चे पापा को पाते नहीं आज लोग बिजी रहते हैं? फर्स्ट टाइम आया पापा, फर्स्ट टाइम आए, छुट्टी का आए, आप खुशी होगी छुट्टी का क्या है पापा, कितनी खुशी है आपको, क्या बनना चाहते हैं भविष्य में आप? इंजीनियर कौन से, भ्रष्ट इंजीनियर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे की भाषा क्या है, बोलते हैं अच्छे क्या कोई भाषा, आप मानते हैं कि अच्छे इंजीनियर बन जाओगे आप? मम्मी पापा कितना योगदान है, जब पढ़ते थे तो मम्मी पापा धमकाते थे रात को सोते टाइम, सो गए आप टाइम से? मम्मी ट्यूशन पढ़ते थे आप? ट्यूशन पढ़ते मम्मी को थे, मम्मी पढ़ाती थी, ऐसी मम्मी कहाँ जो पढ़ाती है बच्चों को, हर मम्मी चाहती है कि उसका बेटा पढ़े और आगे बढ़े, हर मम्मी चाहती है, आप क्या बताइए हर मम्मी चाहती है, हर माँ चाहती है, कहाँ से सुना आपकी बातें, और कहाँ देखी और कहाँ देखी आपने, सुनी नहीं है देखी, किसकी और देखी, अपने दोस्त है वहाँ मम्मी पढ़ाती है देखा, कहते हैं दोस्त है आप कैसे मम्मी पढ़ाती हैं, क्या नाम आपका, मोनिका जी आपका बच्चा एक फर्स्ट आया है तो आप कितनी खुशी होगी, फर्स्ट कैसे आया, क्या किया बच्चे ने, आपने क्या किया बच्चे के साथ तो फर्स्ट आया है, ठीक है मेरे भाई के बच्चे आजकल खेल कूद में ज़्यादा टी वी में रहते हैं और आपके मोबाइल फ़ोन पर भी मस्त रहते हैं, सब सब करता है, ऐसा नहीं कुछ नहीं करता, खेलता भी है, मोबाइल भी यूज़ करता है, टी वी भी देखता है, सब करता है, मोबाइल फ़ोन कितने घंटे बजे आता है बेटा आपका, सर ऐसा नहीं है थोड़ी देर खेलता, मतलब ये नहीं कि लगा ही देता, इतना फोन भी खेल करते हैं, बोलने वाले बहुत से बच्चे तो घर जाते ही यहाँ से स्कूल से मोबाइल पर बिजी हो जाते हैं, ये भी बात है जरूर सर, ऐसा कुछ नहीं है, सारे बच्चे मोबाइल तो पहले चाहिए, मोबाइल के बाद ये पढ़ाई पूरा था, उसके बाद मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, अब जैसे एग्जाम है जब मैं करना काम नहीं कर मैं लेट कर लूँगी, जैसे भी करूँगी, छोटे बच्चों को मोबाइल फोन देना चाहिए आपके हिसाब से, सर नहीं देना चाहिए, पर थोड़ा सा बच्चे की दुनिया के हिसाब से लगता है कि वो कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, थोड़ा मतलब उसमें थोड़ी ऐसी नॉलेज देखिए क्या है सर, आप तो देखिए बच्चे को क्यों दिया जाता है, जब आप पढ़ती थी किसी टाइम में क्या उस टाइम मोबाइल फ़ोन या फ़ोन आपकी मम्मी पापा आप यूज़ कर लेते थे ना सर, उस टाइम तो आपके फ्रेंड्स होते थे, फ़ोन तो होते थे ना, इनके में फ़ोन, ये फ़ोन तो होते थे, क्या कभी आप बातें करती थी फोनों से, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता था, आज क्या मेरे युग चेंज हो गया, जो युग ही चेंज हो गया सर, अभी तो टाइम ही चेंज है, और बच्चे यही चाहते हैं कि वो बच्चे देख रहे हैं कि उसमें क्या है, अब उनके पास ऐसा फ़ोन है, हमारे पास नहीं है, व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि हर बच्चा है उसमें गेम खेलेगा, थोड़ी देर बहुत आपके बच्चे गेम खेलने के शौकीन हो गए, आपके बच्चे की चॉइस है कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, हाँ जी सर, क्या वो इंजीनियर बन पाएगा या बीच में भटक जाएगा, कहते हैं दसवीं बाद बच्चे भटक जाते हैं सर, एट और टेंथ में बच्चे जो भटकते हैं ये मेरी खुद की नॉलेज है, मैंने खुद देखा है सर, आपने भटकी थी क्या सर, नहीं हम नहीं भटके, आजकल की जनरेशन ऐसी है बच्चे जरूर भटकते हैं, पर जहाँ तक कोशिश ये रहेगी कि भटकने पर मेरी सर यही कोशिश है, उम्मीद है आपको कि आप भटकने देंगे, पर कोशिश और विश्वास है कि इंजीनियर बनेगा बेटा आपका, सर अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगा दूंगी बेटा, आपको कह रहा है कि मैं भ्रष्ट इंजीनियर बनूंगा, मैं अच्छा इंजीनियर बनूंगा सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
अच्छा ही बनेगा जहाँ तक उम्मीद है, मुझे बहुत अच्छा बनाऊंगी, दिल की चाह है ये। इसके बाद यार नेता बन जाओ किसे? ना ना सर बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका? प्रशांत। प्रशांत जी आप कौन से प्रशांत हैं? कहाँ के प्रशांत हैं आप? यमुना पार्क या भाग के? कौन सा पेपर एग्जाम दिया आपने? सेवेंथ का दिया। कौन सा पेपर एग्जाम दिया? अब कौन सी में आए हैं आप? कितने परसेंट आए आपके? पता आपको? फर्स्ट आए सेकेंड आए? फर्स्ट क्यों नहीं आए? क्या मम्मी ने नहीं पढ़ा आपको? क्यों नहीं आए फर्स्ट? खेलते कूदते थे, टीवी देखते थे, इसका नहीं आया फर्स्ट? यही वजह आगे टीवी देखोगे ऐसा तो फर्स्ट आया ये नहीं ध्यान दोगे? क्या बनने जाते हैं आप? IPS? क्यों पैसा कमाना है? IPS बनकर और क्या करेंगे? IPS बनकर आप जानते हैं IPS क्या होता है? क्या होता है बताइए? IPS क्या है? कौन सी पोस्ट? पोस्ट कौन सी? IPS आप IPS बनना चाहते हैं? पोस्ट बता नहीं आपको? पुलिस डिपार्टमेंट की पोस्ट होती है IPS, जो DCP ACP होती है वो IPS होती है। ध्यान तो ना देखा DCP को आपने? देखा उनके स्टार देखे आपने? स्टार कितने होते हैं? नहीं देखे। तो क्यों बनना चाहते हैं IPS? जब आपको देखेंगे मम्मी की चॉइस है, आपकी चॉइस है, पापा की चॉइस है, तो पापा भी क्या पुलिस में है? क्या वजह है कि जो IPS पापा पुलिस में नहीं है? आप जानते नहीं हो IPS है क्या? कम रहते हो बस। पापा की इच्छा पूरी गई है आप? कौन ओपी जी? आप आर्मी की परीक्षा दी है? कौन सी डिवीजन है? फर्स्ट आए सेकेंड आई? फर्स्ट कैसे आई आप? क्या किया आपने फर्स्ट आने के लिए? तो मेहनत सशन और क्या करती है घर पर? आप टीवी देखती हैं, मोबाइल फोन भी देखती हैं, ये सब तो कॉमन है। कॉमन है तो क्या आप मेरे छोटे बच्चों को मोबाइल फोन भी देना चाहिए? ज़्यादा नहीं करती। कितने घंटे करती है? मुश्किल से 10-15। बस एंटरटेनमेंट के लिए। मोबाइल फोन आपका है, मम्मी पापा का है? आपका नहीं, अपना। आप कैसे गए हैं कि मम्मी ने फोन नहीं लिया आपको? मम्मी ने आपको मोबाइल फोन नहीं दिलवाया? क्यों नहीं दिलवाया? क्योंकि हर बच्चों को मोबाइल फोन मांगा नहीं, मांगी नहीं आप? नहीं मांगी। कब मांगी? अपने पैसे से ले गए। तो अपने पैसे कब लोगे आप? के बाद, ट्वेल्थ के बाद जब पूरा अपने पढ़ाई हो जाएगी ना तब लेंगे। आप क्या बनना है? आप क्या बनना रहती है? कौन सी डॉक्टर? पैसे कमाने वाली डॉक्टर या लोगों की सेवा करने? आपने किसी डॉक्टर को देखा है जो समाज सेवा करता है? किस डॉक्टर को देखा आपने जो समाज सेवा करता है? हाँ आदमी पैसे कमाने में रहता है, कौन समाज सेवा? एक का नाम बताओ जिसको आप जानती हैं। मेरे घर के उधर है वो समाज सेवा करते हैं। मैडम आपकी बेटी आठवीं कक्षा पास की और फर्स्ट आ रही है, आप कितने खुशी? आप कितने खुशी हो? जी खुशी आपका योगदान है या आपके पति देव का योगदान है? बिना माँ बाप के बच्चा आगे नहीं बढ़ता है। आपके आंखों में आंसू क्यों आए? किस खुशी के आंसू में क्यों आए? क्या वजह है? ये आंसू कब कब आए जिंदगी में आपके पास? आपने शशि पर उस में क्या देखा जो बच्चों को यहाँ एडमिट करवाया? आपने शशि तक का सबको ये भाई का नहीं है, क्या देखा स्कूल में आपने? स्टाफ अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, उसकी बाकी सिस्टम भी यहीं पर पड़ी है और यहाँ से पढ़ती हूँ। मेडिकल करने के लिए दी गई भी है बड़ी सिस्टम है, इसीलिए मुझे तो सुना है कि चेयरमैन साहब बड़े गुस्से वाला आदमी है। कभी गुस्सा खाया आपको उन्होंने? नहीं हमसे तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा तो है। कहाँ देखा आपने? बहुत बार देखा है। आप मेरे क्यों गुस्सा खाते हैं वो? ये उनका नेचर है। नहीं आप बताइए गुस्सा क्यों खाते हैं? बच्चों को या बच्चों के मामले में गुस्सा आते हैं? पेरेंट्स की टिकट हो जाता है और बच्चों पे भी हो जाता है। अभी आपको भी नहीं ऐसे चांस?
हैं जिनको शिकार का मौका मिले थे चेंज इन सर, कहाँ हैं बच्चे और बच्चे माँ बाप ऐसे? बहुत हैं ऐसे शिकायतें होती है बच्चों की, इमोशन बच्चों की शिकायत होती है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे हिसाब के नहीं आता है, बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं आता है। बच्चे की कामना पूरी हो जाए पढ़ने के बाद तब कैसे महसूस होगा आपको? आपकी इच्छा पूरी होगी? Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Deo Bhumi Uttaranchal ka utkrisht utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great co- International Happy School, Bola Nadnagar mein ek aisa school जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहां अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, भोलनाथ नगर, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, शाहदरा 32। फोन नंबर 2206292239231414। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहां पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें, नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 2257-3594, वेबसाइट www.siddharthinternational.com। देखने में आया कि बच्चे चाहे आठवीं के हों, सातवीं के हों, छठी के हों, वो ट्यूशन पढ़ते हैं टीचर से। टीचर्स ने एक डिग्री से मना रखा है कि ट्यूशन पढ़ना अवश्य है, क्या ये ठीक है?
ठीक तो नहीं है। तो क्या कभी नहीं? देखिए मैं तो यही मानती हूँ कि एक परिपाटी चली हुई है, कुछ पेरेंट्स मानते हैं कि ट्यूशन पढ़ने वाला बच्चा ही फर्स्ट या सेकंड आ सकता है। टीचर्स उनको बाउंड करती हैं कि ट्यूशन पढ़नी है आपको, पर मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि हमारे आपकी सुबह बातें क्या आम स्कूल की बात है। हाँ जी, आम स्कूलों में ऐसा सुनने में आया है और हमारे सीसी टीवी स्कूल में ऐसा देखा गया है कि हमारे स्कूल के मैनेजर से प्रिंसिपल मैम ये कहते हैं कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो अपने मन से कहता है कि हमें पढ़ना है, तब भी उसके बारे में पेरेंट्स को सजेस्ट करें कि आप खुद पढ़ाएंगे। जो भी प्रॉब्लम आया है वो टीचर से लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। एक्स्ट्रा टाइम जो होता कि हम लोग पढ़ाते हैं, मैं मानती हूँ कि अगर बच्चा पढ़ने वाला है उसको ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं। मैंने सुनने में आया कि बच्चों के माँ बाप और टीचर्स कहते हैं जो आपके चेयरमैन सर हैं बड़े गुस्से वाले हैं, जब चाहे टीचर्स को डांट देते हैं, सबके सामने डांट देते हैं, क्या ये ठीक है कि सबके सामने डांटना टीचर्स को, बच्चों के सामने या बच्चों के माँ बाप के सामने डांटना अच्छी बात है? मैंने तो ऐसा नहीं सुना और आपको डांटा नहीं होगा कभी? आई थिंक आपको नहीं धमकाया होगा। धमकाने वाली तो ये बात है कि अगर हर इंसान अच्छा काम करने की कोशिश करे, डिसिप्लिन करे, समय से आए, समय से अपने कार्य करे, डांटने वाली कोई बात नहीं। पर हाँ ये नए थोड़ा सा स्कूल है और वो उनकी बात ऐसी है कि अगर वो नहीं होंगे तो स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं मिल रहा है। आप ठीक का स्ट्रिक्ट होना अच्छी बात है, टीचर को ध्यान देना अच्छी बात है। यदि एक टीचर्स को बुलाकर धमकाएं तो वो धमकाना ठीक होगा? सबके सामने धमकाएं तो क्या वो ठीक होगा? क्या टीचर्स के मान सम्मान नहीं जितनी है? नहीं, मान सम्मान है और टीचर तो वैसे ही गुरु को एक ऐसा पद है कि उसके लिए भी सभी नतमस्तक होते हैं, वो ठीक नहीं है मैं मानती हूँ। अगर टीचर गलती करती है अपने स्कूल की नहीं मैं आरोप मानती हूँ, टीचर्स को स्टाफ रूम में बुलाया जाए, ऑफिस में बुलाया जाए, उनको समझाया जाए कि जो आपने ये गलती की है नहीं होगी। तो मानती ना कि सिंगल टीचर बुलाए तो उसका मान सम्मान भी होगा और धमका भी सकते हैं, कह भी सकते हैं आप। आप मैडम जब पढ़ती थी तब कितनी तेज थी आप, क्या आपने सोचा था मैं टीचर बनूंगी उस टाइम? नहीं, मेरा तो सिर्फ से ये रहा है, मैं ये सोचती थी कि जो मेरा अंदर कमी रही है, मेरे पेरेंट्स में कुछ कमी रही है या मेरी शिक्षा में कमी रही है या मुझे उस तरह का माहौल नहीं मिल पाया, मैं बड़ी होकर जो कमियाँ मैंने देखी है वो बच्चों के अंदर ला लाऊं और बच्चों का किस तरह से विकास करूँ, कैसे उनको आगे बढ़ाएं, विकास हो बच्चों का। हाँ जी, वो मेरी इच्छा थी, उसी के वजह से मैं आज टीचर्स के पास गई। आप खुशी रहते कि आप पढ़ाती हैं, बच्चे आपसे खुश होते हैं, मैडम मैडम कहते हैं, घर में से मम्मी पापा कहते हैं बच्चे, और यहाँ मैडम कहते हैं, तब कितना फर्क समझते हैं आप? ये स्कूल में आके एक टीचर ऐसा होता है कि माँ भी बनती है, फ्रेंड भी बनती है और गुरु भी बनती है। कभी कभी हमें बच्चों के साथ एक माँ वाली ममता अपनानी पड़ती है, कभी थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि बच्चा अगर गलतियाँ कर रहा है तो उसको गुरु बन के डांटना भी और समझाना। टीचर के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो वो सारे वो समय समय के अनुसार। मैडम मेरा आगे क्वेश्चन है कि आप कहते हैं गुरु हैं टीचर, पर माँ बाप बच्चे टीचर्स को गुरु नहीं मानते, किसी समय में गुरु मानते थे, पाम छूते थे, आज कितने बच्चे ऐसे हैं जो टीचर को गुरु मानते हैं और आगे पाम भी छूते हैं? कितने परसेंट होंगे आपके साथ? मानती है ये तो कमी किसकी है, टीचर्स की है या बच्चों के माँ बाप की है या वातावरण की है समय की? देखिए आजकल जो वातावरण एक ऐसा हो गया है ना कि पेरेंट्स ही बोलते हैं आपको पढ़ना है, लेकिन हमारा बच्चा गलती करे तभी नहीं डांटना, ना पढ़े तभी मत डांटना। तो ये जो कमियां हैं पेरेंट्स की तरफ से ये बच्चों के मनोबल को बढ़ा दे रही है नीचे की तरफ। बच्चों को यदि टीचर डांटता है तो बच्चे के हित में डांटता है ना, उसका टीचर्स का अपना क्या स्वार्थ है जो बच्चे को डांटेगा? बच्चे टीचर्स तो यही चाहेगी कि बच्चा आगे बढ़े, प्यार से बढ़े, डांट से बढ़े, अगर उसको आगे बढ़ाने के लिए एक दो लगाना पड़े तो वो भी लगा देना चाहिए, लेकिन आज का माहौल ऐसा है कि पेरेंट्स ही चाहते हैं हमारे बच्चे को मारना नहीं है, हम नहीं मारते, आप क्यों मार रहे हैं? बच्चा पढ़े या ना पढ़े कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कुछ नहीं कहना।
टॉर्चर किया, ये नहीं कि वो समझाने वाली बात है। आज टीचर के ऊपर क्लेम लगा रहे, कल को मैडम एक बार पूछूंगा, जो आप पढ़ती थी क्या कभी टीचर ने आपको डांटा धमकाया कि आप पढ़ाई ढंग से नहीं किया, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया? जनता को सर बताना अपने बच्चों को जो पढ़ते हैं कि वास्तव में डांटा नहीं, डांटा डांट खाई नहीं आपने? पढ़ाई के समय डांट भी खाई है, पर आगे अगर हमने टीचर के बारे में बताया तो पेरेंट्स से डांट खाई और यही है। डबल डांट खाई आपने, टीचर से भी और माँ बाप से भी? गुरु कभी भी बच्चे का वही नहीं चाह सकता, सोच कर भी नहीं चाह सकता। अगर ऐसा बच्चे सोच ले कि टीचर ने जो कहा है वो अच्छा किया है, हमारी भलाई के लिए कहा है, तो शायद वो भूल जाता, पेरेंट्स को भी नहीं चाहता, ये मेरा मानना है। डॉक्टर वर्मा जी, आज बच्चों का परिणाम निकला है अब तो 8 तक, तो कितने बच्चों ने सक्सेस प्राप्त की और कैसे प्राप्त की? देखिए, पूरे वर्ष बच्चे और उनके पेरेंट्स मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट मेहनत का हमारे और उनके लिए सफलता का एक प्रतीक है। हमारे स्कूल का चाहे बोर्ड का है चाहे होम एग्जाम है, 100% रिजल्ट रहता है और हम कोशिश करते हैं सभी गार्जियन अपने बच्चों के साथ में एक उत्सव की तरह भाग लेने के लिए, परीक्षा फल परिणाम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। और अब तक मैं समझता हूँ कि 60% गार्जियन आ चुके हैं, 70% हो चुके हैं, और वे एक भी बच्चे ने आके ये नहीं कहा कि मेरे को कोई दिक्कत है। मैंने हरेक टीचर को, हरेक क्लास के अलग अलग सेक्शन को अलग अलग सीटिंग दी हुई है और उनके साथ में एक हेल्पर दिया हुआ है कि बच्चों को और सिर्फ गार्जियन को आप अच्छी तरह अटेंड करें, उनको बच्चों की पूरी रूपरेखा समझाएं, अगर कोई कंप्लेंट है, कमज़ोर बच्चा है, उनको बताएं गार्जियन को और उनकी आने वाले सेकंड सैटरडे में मीटिंग करें, क्योंकि सेशन हमारा 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और सभी गार्जियन के माध्यम से बच्चों को जो भी कुछ कहीं दिक्कत है, चाहे मनोवैज्ञानिक रूप से है या शारीरिक रूप से है या किसी दूसरे रूप से है, उस बात की गहराई में जाकर उस बात को क्लियर किया। इसके साथ ही मैंने मेडिकल का रूम हमारे यहाँ पर है, मेडिकल सेंटर है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, वो स्पेशली हमारे स्कूल में है। साइकोलॉजिस्ट आए हुए हैं जो बच्चों को किस तरीके से आप साइकोलॉजिस्ट भी और साइकोलिस्ट भी, वो भी आए हुए हैं और वो बैठ कर हर एक गार्जियन को, हमने माइक पर भी अनाउंस किया और टीचर को कहा गया है कि उस टीम से, डॉक्टर साहब की टीम से मिलकर जाएं और अपने बच्चों का जो पूरे वर्ष का समरी है, उनका विवरण है, उसको जानकर जाएं, जिससे कि वो बेहतर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रगति करें और एजुकेशन के क्षेत्र में भी प्रगति करें। सर, कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, टोटल बच्चे पास हुए हैं या कुछ फेल भी हुए? देखिए, एक नॉन डिडक्शन पॉलिसी है, उसमें एक आध बच्चा रह रहा है किसी क्लास में, तो उस पॉलिसी के हिसाब से हम 7th क्लास तक तो बच्चों को फेल कर ही नहीं सकते। लेकिन बाय द वे, अगर कोई गार्जियन अपने बच्चे को रोकने की एप्लीकेशन देता है कि मैं इस बच्चे को इसी क्लास में रखना चाहता हूँ, तो उस बच्चे के बारे में विचार किया जा सकता है और हम डिपार्टमेंट से पूछेंगे क्या इसको इसी क्लास में एडमिशन दे दें, क्योंकि गवर्नमेंट का अब तक तो 8th क्लास तक था, लेकिन अब 7th क्लास तक ये है कि हम किसी को फेल भी नहीं कर सकते और फेल शब्द तो निकाल दिया गया। अगर किसी को बच्चों के नंबर कम हैं तो उसको इम्प्रूवमेंट देते हैं, इम्प्रूवमेंट में उसका 1-2 पेपर हो जाता है और उस बच्चे में वही एक समानता की भावना आ जाती है और वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि 5वीं तक बच्चे पास होंगे, उसके बाद एग्जाम होंगे, 8वीं का बोर्ड एग्जाम होगा, 10वीं का बोर्ड एग्जाम होगा, 12वीं बोर्ड एग्जाम होगा। इसके लिए हम गवर्नमेंट के लिए ताहिद करते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। स्कीम तो आ गई है ना? स्कीम अभी सुनने में आई है, उसका जीओ हमारे पास नहीं है, सर्कुलर नहीं है। वर्मा जी, जब आप पढ़ते थे 6वीं 7वीं 8वीं थे आप, तब आपसे टीचर किस ढंग से व्यवहार करते थे? जब आप पास होते थे, अच्छे नंबर आते थे,
देखिए, पहली बात तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, हमारे समय में फिफ्थ क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम हमारा बड़ौत हुआ था 10 किलोमीटर दूर, फिर 8th क्लास में हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, और 10th क्लास का तो था ही तो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम। जहाँ तक व्यवहार की बात है, पढ़ाई के समय टीचर सख्त रहते थे, और जब रिजल्ट होता था हम भी गदगद होते थे, और बड़े प्यार से हमारे टीचर हमको आशीर्वाद देते थे, दिल की गहराइयों से प्यार करते थे। उसी अनुकरण को करते हुए हम भी बच्चों से ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। बच्चों के माँ बाप किसान बोएगा वैसे काटेगा। बच्चे को माँ बाप को सिखाया कि आपका सेकेंडरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी होने नहीं जा रहा है। बहुत से बच्चों के माँ बाप ने शिकायत की हमसे भी कि वर्मा जी क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, क्या वजह है? देखिए, मेरा इंस्पेक्शन हो चुका है डायरेक्टरेट से। डायरेक्टरेट से हरी झंडी पहले होती है एक प्रक्रिया कि हम जो है वो अपनी स्कूल की जो नॉर्म्स हमें उसको पूरे करें, चाहे वो जगह का है, चाहे वो लेबोरेटरी का है, चाहे वो हमारा लाइब्रेरी का है, बहुत सारी बातें वो हमने पूरी कर दी है। इंस्पेक्शन हो चुका है, अब इंस्पेक्शन के बाद में रिपोर्ट आएगी, फिर एक फाइल बनेगी, वो CBSE में जमा करेंगे। तो कब तक हो जाएगा, 2028 तक हो जाएगा या कुछ आगे बढ़ेगा? देखिए, इस सेशन में तो नहीं चलेगी हमारी 11, लेकिन नेक्स्ट सेशन में 11 चल जाएगा। आपने लास्ट ईयर भी मेरे से इतनी कई दफे जिक्र कर लिया, उस प्रक्रिया को हमने स्टार्ट कर दिया। मैं किसी आदमी को गुस्सा आता है तो गुस्सा क्यों आता है, और उसको वो आदमी कैसे मेंटेन कर सकता है? गुस्सा पे तो आता ही क्यों इंसान को? हाँ, देखिए, हमारे आयुर्वेद में भी और योग में भी ये सिखाया है कि अगर तनिक हमें गुस्सा आता है, हम सिर्फ अपने को योग की अवस्था में लगाकर ओम शब्द का उच्चारण करें, बस यही काफ़ी है, गुस्सा उतर जाएगा आपका, और कुछ नहीं करना। और अगर आप स्वतः प्रतिदिन 15 मिनट के लिए ओम का उच्चारण कर ले, साधना कर ले, गुस्सा आएगा ही नहीं। मैं समझता हूँ मेरे को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब से मैं 4-5 साल से योग में लगा हूँ, और मैंने कॉमनवेल्थ गेम में बच्चों को भी खिलाया था, तब से मैं समझता हूँ कि मेरे को अगर 100% गुस्सा था तो इस टाइम मेरे को 20%। ब्रह्मा जी, क्या वजह है आपने अपनी बॉडी को बड़ा मेंटेन किया है? पेट आगे था, पेट आगे नहीं है, अंदर ही है पेट, क्या वजह है, क्या मेंटेन किया अपने आपको? देखिए, ये उम्र ऐसी है, इसमें हमें खान पान का भी ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य के लिए हमें एक्सरसाइज और योग करना बड़ा ज़रूरी है। इसकी प्रतिमूर्ति इंदिरा गांधी ब्रह्मचारी, और अब मदन मोदी जी, योगी जी, अब तो बहुत लोग हो गए। योग करना हमारे ऋषि मुनियों का सबसे पहला जो है नियम था। मोहन जी, आप बच्चों को, टीचर्स को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि टीचर्स के ही बहाने बच्चे पढ़े हैं, पास हुए हैं, क्या मैसेज देंगे दोनों को? टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए मेरा यही आशीर्वाद है कि हम देखो, इतने व्यक्ति किसी कार्य को करता है, अगर वो संपूर्ण भी है, 100% नंबर भी है, लेकिन हम फिर भी कहें और मेहनत करिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में कोई लापरवाही ना हो। मैं बच्चों को और गार्जियन को बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देता हूँ, और अपने स्टाफ के लिए भी बहुत बहुत जो है उनको शुभकामनाएँ हैं, और ये भी कहूँगा कि इससे भी ज़्यादा वो मेहनत करके क्षेत्र का, समाज का, बच्चों का भला। हमारे ये बुलेटिन सब आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 1111-0638-2122-0637-9810721848-9818-7052। हमारा फैक्स नंबर है 2211-0638। ईमेल आपके पास radio.coin। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। हमारा आज का यह बुलेटिन न्यूज समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री राम नगर, शारदा, दिल्ली 32।